विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, वो इस बात का संकेत होता है कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है। देखिए, ये जो ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई का दौर हरियाणा पिछले एक हफ्ता से, जब से हमने हमारा ये अभियान शुरू किया है, उसके पैरेलल इनका भी अभियान शुरू हो गया है। उसके पैरेलल इन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया है और विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। तीन विधायक, तीन दिन। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। इनकी कार्यशैली पिछले 10 साल से जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है, पूरे देश में लिया जा रहा है, हरियाणा में भी ये कार्रवाई उसी का हिस्सा आप मानिए। लेकिन जहां जहां जांच एजेंसियां ज्यादा सक्रिय होती हैं, वो इस बात का संकेत होता है कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है। तो हारने जा रही है, तो मैं ये कहूंगा कि जहां जहां गए, जिन जिन विधायकों के पास भी गए हैं, वो साथ में ये मुझे लगता है जीत का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, उनको दे के आ रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है। तो ये हम कोई जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लोगों की आवाज उठाना बंद कर दे ऐसा संभव नहीं है।